ते गल करदे आ चंडीगढ़ दे नौजवान लड़के लड़कियां दी जिहड़े कि लगातार मानसिक रोगां दे शिकार हुंदे जा रहे ने ते इन्हां दी गिणती विच खतरनाक तरीके नाल वाधा हो रहा। इस सब दा खुलासा मानसिक रोगां ते काम करन वाली संस्था ने कीता। उन्हां ने कहा कि मानसिक रोगां दे चलदे अज दे टीनेजर सब तों वध खुदकुशियां कर रहे ने, जिस लई सूचना तकनीक दे साधन सब तों वध जिम्मेवार ने। संस्था के नुमाइंदे मुताबिक चंडीगढ़ शहर में ही तकरीबन 300 लोग हर साल डिप्रैशन में आके खुदकुशी करते हैं। देखो, उसमें जो मुझे समझ आ रहा है कि पिछले 10-11 साल में काफ़ी चेंज आया है बच्चों में, क्योंकि मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं मेडिकल कॉलेज में और मैं काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूँ कुछ स्कूल से, जहाँ पे टीचर पेरेंट्स मुझे इन्वाइट करते रहे हैं पेरेंटल काउंसलिंग के लिए, बच्चों की काउंसलिंग के लिए। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि आज का जो यूथ है वो काफ़ी इम्पल्सिव और काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। उन बच्चों की टॉलरेंस जो है काफ़ी कम हो गई है और उसका जो एक बड़ा कारण जो सामने आ रहा है कि आजकल जो बच्चे हैं रियल फ्रेंड्स को छोड़ के वर्चुअल आर्टिफिशियल फ्रेंड्स उन्होंने बना लिए हैं और उन आर्टिफिशियल फ्रेंड्स पे बच्चे गुस्सा भी निकालते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं और वो सोचते हैं कि शायद वो चीज़ रियल लाइफ में भी वो कर सकते हैं। बच्चा कहता है जी मेरे 400 फ्रेंड हैं, मैं उसको पूछता हूँ कि वो 400 फ्रेंड कहाँ हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं, बिकॉज उन दोस्तों को ना वो कभी मिला, ना उसने कभी देखे, ना वो दोस्त उसके साथ आएंगे जब उसको मदद की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इंटरनेट एडिक्शन जो है एक मेजर इशू आ रहा है आज के बच्चों में। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आ रहे हैं कि इसने अपना पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटा के सारा ध्यान जो है इंटरनेट पर लगा दिया है, सोशल मीडिया पर लगा दिया है, 24 घंटे बच्चे गेमिंग पे व्हाट्सएप पे लगे हैं।